हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर इलेवेंथ। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में। तो ये यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है या इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेसिकली मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एक ब्रिटिश राइटर थी, फिलोसफर थी और वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी। तो इनके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला ये। तो सबसे पहले सभी का जन्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1759 को और इनकी डेथ हुई थी 10 सितंबर 1797 को। तो ये एक ब्रिटिश राइटर थी, फिलोसफर थी और विमेन राइट्स एडवोकेट थी, एक्टिविस्ट थी, राइट। और इनको माना क्यों, इनको क्यों जाना जाता है, इनको जाना जाता है क्योंकि ये फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसफर की तरह, ठीक है, जिन्होंने विमेन के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री में इनका नाम जाना जाता है और इसीलिए फेमस भी हैं। तो इनकी शादी हुई थी विलियम गॉडविन से, जो कि फिलोसफर थे, लेकिन कुछ ही महीने बाद इनकी डेथ हो गई थी जब इन्होंने अपनी सेकंड डॉटर को जन्म दिया था। 11 दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी और उस डॉटर का नाम था मैरी सैली। और ये राइटर हैं नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन के। तो आपने फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल के बारे में ज़रूर पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस नॉवल है, इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं, सीरीज भी बनी हैं, तो अपने आप में बहुत फेमस है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से एक फेमस किताब है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, 1792 में आई थी। विंडिकेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड जस्टिस और डिफेंस फॉर, राइट। और ये सोसाइटी को अटैक क्यों करती, सोसाइटी के बारे में क्यों बोलती थी, सोसाइटी को इसलिए ये मतलब अटैक करती थी कि जो हेरिडिटरी प्रिविलेज मिला हुआ है ना मेल्स को या आदमियों को, तो उसके बारे में ये कहती थी कि टाइम मतलब पुराने टाइम से ही क्या है, हर एक बड़ी पोजीशन पे मैन हैं और वीमेंस को उतनी अच्छी जगह नहीं देते हैं। अगर वीमेंस को भी जगह दी जाए तो वो रोटी मतलब हाउस वाइफ के अलावा भी बहुत सारे रोल्स कर सकती हैं, जो कि हमें आजकल दिखता ही है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने उस टाइम कही थी, इन्होंने कहा था कि वेमेंस को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देन इनका एजुकेशन पे क्या व्यू है, तो इनका व्यू था कि फीमेल्स इन्फीरियर हैं। क्यों इन्फीरियर हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिली है, है ना। और ये सही भी बात है, क्योंकि औरतों को पहले समझा जाता था कि घर का ही काम संभाले, तो ये सोचा जाता था कि क्यों हम शिक्षित करें जब घर का ही सब काम संभालना है, तो उसी चीज़ वही चीज़ें विमेंस को सिखाई जाए। तो ये भी मानती थी कि विमेन की स्थिति इन्फीरियर इसलिए है क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल मेल को था या मैन को था पहले। तो इन्होंने इसीलिए एजुकेशन को एम्फेसाइज किया विमेन के लिए। 1700 के स्टार्टिंग में स्कूल्स बहुत कम थे, लेकिन 18 सेंचुरी के अंत तक बहुत सारे स्कूल इनके द्वारा खोले गए। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट टर्म स्कूल्स भी खोले विमेन्स के लिए, औरतों के लिए शॉर्ट टर्म स्कूल खोले जहाँ पे वो आके शिक्षा हासिल कर सकती थी। इन्होंने क्या कहा, अगर हम शिक्षा को औरतों के लिए बढ़ाते हैं तो फ्यूचर मदर और फ्यूचर ग्रैंड मदर मतलब ऐसी माएँ बनेंगी और दादी बनेंगी जो कि सोसाइटी में बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले कर सकती हैं या सोसाइटी की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि औरतों को भी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए, मतलब पार्लियामेंट में भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इन्होंने ओवरऑल बात करें तो औरतों को एनकरेज करने के लिए बहुत काम किया, उनकी शिक्षा के लिए बहुत काम किया, ठीक है। देन इनके काम को देखें या इनके बुक्स हैं ये फेमस, थॉट ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर। तो ये किताबें याद रखना, पिछले नेट के एग्ज़ाम में ये आया था कि आपको ऑथर के अकॉर्डिंग उनकी बुक्स को मैच करना था, ठीक है। देन है मैरी एंड फिक्शन, देन मैरी एंड मैरी, देन विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ द वीमेन, देन 1788 में इन्होंने एज ए ट्रांसलेटर काम करना स्टार्ट किया लंडन पब्लिशर में, जहाँ पे जोसेफ जॉनसन थे, ठीक है। देन 1792 में ये इंग्लैंड से चली गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने पेरिस में, और वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रही,
कैप्टन गिलबर्ट इमले के साथ, और 1794 में इन्होंने फैनी डॉटर को जन्म दिया। ठीक है, जो इनकी गॉडविन से शादी हुई थी वो 1907 में हुई थी, लेकिन वो आई थिंक मार्च या अप्रैल में हुई थी और सितंबर में इनकी डेथ हो गई थी। राइट, अरे मैं क्या लिख रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था कि ये याद रखना कि ये वेमेन एक्टिविस्ट थी, इन्होंने काफ़ी काम किया है और औरतों के लिए बहुत आवाज़ उठाई कि औरतों को भी राइट्स मिलने चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए, और इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। यही सब चीज़ें आप बता देना अगर आपसे पूछे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।